वेलकम बैक टू माय चैनल सुदीप फार्मागोल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे वीएन राजे की डी फार्मेसी के लिए फार्माकोग्नोसी की बुक। देखो ये जो मेरे पास बुक है, ये है वीएन राजे की फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर। आज हम इस बुक के अंदर का कंटेंट देखेंगे कि इस बुक के अंदर का कंटेंट है कैसा और ये बुक कैसी है। एक्चुअली गाइस मैंने अपने टाइम पर ये बुक मंगाई थी जब मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में थी। एक्चुअली देखो फार्माकोग्नोसी हमेशा से मेरा वीक सब्जेक्ट रहा है। मुझे बैचलर में फार्माकोग्नोसी पसंद नहीं है, क्योंकि पता नहीं, देखो सबका होता है, कोई ना कोई अच्छा नहीं लगता, कोई सब्जेक्ट कुछ वीक होता है, किसको पढ़ने में मन ही नहीं करता। तो मेरा एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जिसको मुझे पढ़ना अच्छा मतलब उतना नहीं लगता। सो इसी के लिए मैंने ये बुक मंगाई थी अपने डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि देखो ये इसमें आसानी से सब छोटा छोटा होता है और आप पढ़ के तो इससे पास हो ही जाएंगे, ठीक है। और बट मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी अपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमारा जब कोविड लग गया था तो ये बुक खाली वेस्ट होगी ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो ही नहीं, कोविड हो गया था, हम प्रमोट हो गए थे सेकेंड ईयर में। तो चलो मैंने सोचा कि ये वीडियो ही बना लेते हैं, बच्चों को दिखा देते हैं कि बुक का कंटेंट कैसा है अंदर का। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब इस बुक के अंदर कंटेंट देखें। ये रही आपकी वीएन राजे की बुक फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर। चलिए इस बुक को खोल के देखते हैं। इस बुक खोलने से पहले आपको बता देती हूँ कि बुक थोड़ी सी गंदी हो सकती है, क्योंकि ये मेरी बुक है और ये मैंने पढ़ रखी है, तो यस थोड़े बहुत पेन के निशान वगैरह हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सो लेट्स ओपन इट नाउ। सो इस तरह से बुक है आपकी, ये तो प्रीफेस वगैरह है। सबसे पहले बुक खोलते आपको मिलेगा इसमें सिलेबस, जो हर बुक में होता है मोस्टली। इसमें सिलेबस जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का अंडर का सिलेबस है। फिर आपको इसमें कंटेंट मिलेगा कि बुक में आपके क्या क्या है, कौन से चैप्टर हैं। फिर आपके हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी है सबसे पहले, जिसमें आपके सबसे पहले इसमें डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं। देन आ जाता है इसमें कुछ, देखो एक बात आपको पता है वीएन राजे की बुक्स की, कि इसमें क्या होता है ना, हर चीज़ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, इस तरह से इसमें आंसर वगैरह दिए होते हैं। तो देखिए ये बुक, देखो यार बड़ी सही बुक है ये, अगर आपको जल्दी जल्दी फार्माकोग्नोसी पढ़नी है, बस पास वगैरह होना है और ठीक ठाक नंबर से पास होना, तो उसके लिए बुक रेफ़र कर लो यार। खाली स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो टाइम जाएगा, सीखे को काटे पढ़ोगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। तो देखो ये सब इसमें ऐसा कंटेंट दिया होता है। हाँ इसमें आपको देखो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, ये तो बात सच है कि इस बुक में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, बट इसमें जितना भी लिखा है ना, अगर आप उतना पेपर में लिखा होगे तो यार पास तो हो जाओगे, है ना। देखो इस तरह से बुक है, हर चीज़ में क्वेश्चन आंसर की ही फॉर्म में दी गई है, आप अच्छे से देख सकते होंगे मेरी वीडियो में, हर चीज़ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, ठीक है। तो नोट्स बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, नोट्स भी मत बनाना, खाली पता चले नोट्स बनाने बैठ जाओ आप, तो नोट्स बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्रग्स वगैरह के नोट्स बना लो, बट देखो इन सब थ्योरी वगैरह के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ना, और चलो इसके नेक्स्ट में लास्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या है। लास्ट में अगर हम देखें तो इसमें एज यूजुअल जैसे इस बुक में होता है, क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं इसमें, आप एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चंस को, उनकी मदद से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपका आपके पास टाइम हो तो, है ना। तो देखो इसमें इतने सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये छोटी सी बुक में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं ना, मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं कि इसमें ना हो, क्वेश्चन पेपर वगैरह भी दे रखे हैं इसमें, एक्स क्वेश्चन आंसर भी हैं, और ये देखो जो माइक्रोस्कोपी आती है पेपर में बनाने को, वो भी दे रखा है इसमें ना। तो ओवरऑल अच्छी बुक है यार, सही बुक है, देखो मैंने कितनी गंदी कर रखी है, छोड़ो। तो यस ठीक है, तो ये रही आपकी फार्माकोग्नोसी की बुक वीएन राजे। गाइस आई होप आपने इस बुक के अंदर कंटेंट देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली में इस बुक का कंटेंट कैसा है, इसमें क्या क्या दे रखा है वगैरह वगैरह। एंड यस मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे कोई प्रमोशनल वीडियो था नहीं, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं करी, आई एम जस्ट शोइंग माई बुक्स टू यू। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड गाइस वन मोर थिंग, मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।